नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, आशा कि आप सब सुखी एंड स्वस्थ होंगे। तो एक क्वेश्चन था आपका कि जो इंटीमेशन देते हैं हम एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जब भी हम किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। वैसे तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इंटीमेशन का मतलब क्या होता है, स्पेशली जब आप किसी एग्जाम के रिगार्डिंग इंटीमेशन देते हो, जब आप ज्वाइन करते हो किसी भी जॉब को। लेट्स सपोज आप किसी लोअर पोस्ट को ज्वाइन कर रहे हो, LDC को, TA को, MTS को, बेसिकली जो सबसे लोएस्ट है आपकी पोस्ट, एंड आपने ऑलरेडी एग्जाम दे रखे हैं, आपने होम स्टेट के लिए एग्जाम दे रखे हैं, आपने बड़ी पोस्ट के लिए एग्जाम दे रखे हैं, CGL का एग्जाम दे रखा है, या आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको इंटीमेट करना होता है डिपार्टमेंट को। इंटीमेशन का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट को सूचित करना। अब वो सिर्फ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नहीं होता, काफ़ी चीज़ों के रिगार्डिंग होता है जो कि आप डिपार्टमेंट में जाके सीखोगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अपना इंटीमेशन देते हैं वो कैसे देते हैं एंड उसका फॉर्मेट क्या होता है, फायदे क्या क्या होते हैं, वो हमने ऑलरेडी बताया था आपको जो आलोक कुमार जी के साथ वीडियो बनाई थी कि आपको NOC मिलने में जब भी आपको किसी DB के लिए जाना होगा या किसी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल DB के लिए या अदर जॉइनिंग वगैरह के लिए जब आपको NOC चाहिए होगी तो उसमें काम आएगा इंटीमेशन। क्योंकि जब भी आप NOC मांगोगे अपने डिपार्टमेंट से जहाँ पे आप वर्किंग हो तो कहेंगे कि आपने इंटीमेट किया है या नहीं, तो तब ये काम आता है, ठीक है। देन आपका फाइनली जब आप टेक्निकल रिजाइन करते हो तो उस टाइम पर भी काम आता है। इसमें हम बात करेंगे अब कैसे आपको फॉर्मेट देना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर नॉर्मली डेट लिखनी होती है, ठीक है। टू किसको लिख रहे हो आप, जो आपका डिपार्टमेंट हेड है, सेक्शन हेड है, ठीक है, ऑफिस हेड है, उनको लिखने होते हैं। अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता ना कि आपके ऑफिस हेड कौन होंगे, ये तो आपको अपने जहाँ पे भी आपका जॉब का लेटर आएगा या ज्वाइन करने वाले होंगे आप या ज्वाइन कर चुके होंगे आप, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन है आपका हेड। सब्जेक्ट क्या होगा कि इंटीमेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स रिगार्डिंग, ठीक है। क्या होता है कि जब भी आप लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, तो उसमें एक सब्जेक्ट जरूर देते हो आपका। जब डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता था SSC में, CHSL में, CGL में, MTS में, तो जब भी आप लेटर या एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें सब्जेक्ट होता है रिस्पेक्टेड मैडम सर आपको लिखना है, फिर आपको ये सब लिखना है। आप इसे अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। आई वुड लाइक टू इंटीमेट दैट आई हैव अप्लाइड फॉर दिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आफ्टर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट। अगर आप ज्वाइन करने के बाद अप्लाई कर रहे हो देन आपको इंटीमेशन देना, तो इस तरह आप लिखिए, डिटेल्स रिगार्डिंग दिस इज एज फॉलोज। इसमें आपके जो भी एग्जाम है उसके लिए एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। जैसे CET 2022 था, हरियाणा का एग्जाम था, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, रिक्रूटिंग एजेंसी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, एग्जामिनेशन डेट अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि इस डेट को एग्जामिनेशन होगा तो वो लिखिए, टेंटेटिव डेट है तो वो लिखिए। Tier 1 का एग्जाम आपने दे दिया है, Tier 2 आप देने वाले हो, ठीक है, तो वो लिखिए। जैसे Stage 1 क्लियर हो गया है हरियाणा CET का, Stage 2 आपका होने वाला था। CHSL 2022 के रिगार्डिंग इंटीमेशन दिया था मैंने, टेंटेटिवली ये मार्च में था, जो अभी हो गया, मैंने पहले दिया था इंटीमेशन, अभी मैं फिर से इसे दोबारा सबमिट करने वाला हूँ, ठीक है। फिर कुछ और एग्जाम था, ये अब नहीं है मेरा, टेंटेटिवली इन अप्रैल 2023। CGL 2022 का Tier 1 क्लियर हो गया था, Tier 2 टेंटेटिवली इन मार्च 2023, जो कि हो गया है। KVS का एग्जाम था, JSA का, इस तरह आपको इंटीमेट करना है। इन केस अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, उनके बारे में आपको इंटीमेट कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। उससे पहले एक बात देखेंगे, आई वुड फर्दर लाइक टू इंटीमेट दैट द रिक्रूटमेंट ऑफ दीज अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन इज अंडर प्रोसेस में, देयरफॉर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इशू NOC व्हेनेवर द रिक्रूटिंग एजेंसी आस्क फॉर द सेम। मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको कि ये एग्जाम ऑलरेडी प्रोसेस में है, मैंने इनके लिए अप्लाई कर चुका हूँ, और जब भी मुझे NOC के लिए जरूरत पड़े या रिक्रूटमेंट होने के लिए जो एजेंसी है रिक्रूटिंग एजेंसी, वो जब भी NOC मांगे तो उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड में रहे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड ऑफिस रिकॉर्ड, और NOC जब भी जरूरत पड़े आप NOC दे दें। योर्स फेथफुली जतिन कुमार, MTS। अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं तो इस तरह लिखना होगा कि फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बिफोर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट, ठीक है। आप दोनों साथ में टेबल भी लगा सकते हो, मान लो आपने ज्वाइन किया 10 तारीख को, 12 तारीख को आप कोई फॉर्म डाल रहे हो तो 14-15 तारीख को आप ये इंटीमेशन दे सकते हो। सिंपल सा फॉर्मेट है, आपका कुछ ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। ज़रूरी नहीं आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालो, ठीक है, लेकिन डाल दोगे तो बेहतर रहेगा। ये वाला फॉर्मेट ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये किसी मित्र का था तो मैंने दोनों साथ में ही अटैच कर दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ऐसे बनाएं, आप अपने हिसाब से सिर्फ लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखनी होती है इंटीमेशन की, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपका रूल है कि यही फॉर्मेट रहेगा।
और ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आपको इंटीमेट कैसे करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेटर लिखना होता है सिंपली अपने सेक्शन हेड को, एंड इसके क्या क्या फायदे हैं वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।